शुक्रिया। तो अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, रामपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे सुना। समस्या का समाधान करते हैं। आज वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान हो रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज प्रातः 7 बजे मैसूर के ऐतिहासिक राजदरबार से योग दिवस का संबोधन पूरे देश को और दुनिया को करना प्रारंभ किया, पूरी दुनिया के 200 से भी देश भारत के साथ झूमते हुए दिखाई दिए और भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दिया है। यह है मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान। वैश्विक मंच पर भारत की विरासत को सम्मान मिलना भारत की 135 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। लेकिन कुछ लोगों की जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं पा रही है। रस्सी जल रही है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। उपचार नहीं कराते तो बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फिर उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फिर उपचार कराया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग भारत माता को सम्मान नहीं दे सकते, जिन लोगों के मन में विकास और राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं, जो लोग गुरु परंपरा को सम्मान नहीं दे सकते, जो भारत की विरासत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग आज इस प्रकार का आचरण भी कर रहे हैं। यानी ऐसी पिपासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय कम नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समुदाय के लोग उगाड़े जा रहे थे। अन्याय कम नहीं हुआ जब रामपुर राज परिवार के द्वारा, नवाब परिवार के द्वारा बनाई गई विरासत को जानने का प्रयास हो रहा था, रजा लाइब्रेरी के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। अन्याय कम नहीं हुआ जब यहां के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे, यहां के पाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहां का शोषण का माफिया और गुंडों का पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, दंगाइयों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा था, वो अन्याय नहीं था उनके लिए। उनके लिए अन्याय यह है कि अगर किसी पेशेवर माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें ये अन्याय दिखता है, नजरिया अलग अलग होता है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाएंगे, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ देंगे, कह रही उनसे तो भगवान। भाई हमारी माताओं ने इस बार विधानसभा के चुनाव में जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया वो किसी जाति की, किसी मत, किसी मजहब की नहीं, वो सबने दिया, सबने दिया अपना आशीर्वाद। और इसलिए दिया क्योंकि माताओं की रक्षा के लिए सरकार के जो कदम थे, जो ठोस और मजबूत कदम उठाए गए थे, ये मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को मातृशक्ति ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया और
उन्होंने कहा हर हाल में डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश में रहनी चाहिए और उन्होंने भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। उनके सामने महिला सुरक्षा इस समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं था। क्या बोलते थे यही लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही लोग क्या कहते थे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ये लोग माता और बहनों का अपमान करते थे, यही लोग उस समय किस प्रकार की टिप्पणी करते थे किसी दुराचार्य दुष्कर्मी के लिए किस प्रकार की सहानुभूति भी निकलती थी कि मुझसे कह रहे लड़के हैं गलती कर दीजिए लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो अगर गरीब की संपत्ति पर कब्जा करोगे कमजोरों को तबाह करोगे और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो बच नहीं पाओगे। यूपी की धरती पे फिर कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, ठाव ठिकाना नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की धरती इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उत्तर प्रदेश का नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। हमारा सिख नौजवान उसे बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। 5 लाख सरकारी नौकरी की है पिछले 5 वर्ष के दौरान और जिस दिन 100 दिन पूरे होंगे उससे पहले 10,000 और नौकरी लेकर के लोग आ रहे हैं। 10,000 नौजवानों की नौकरी और लेकर के आ रहे हैं, यानी 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र देंगे सरकारी नौकरियों में। विज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं, नियुक्ति पत्र की बात कर रहा हूं। नियुक्ति पत्र सीधे तो पकड़ो और जाओ अपनी सर्विस ज्वाइन करो। ये है सरकार की बात। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार दिया और 60,00,000 परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, उद्यमियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का काम भी किया। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े हमारे नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है तमाम एजेंसियां, निष्पक्ष एजेंसियां इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में व्यापक परिवर्तन हुआ है, समय परिवर्तन हुआ है। लेकिन विपक्ष का काम ये केवल बांटना है, खिलवाड़ करना है, ये किसी गरीब का हित नहीं चाहते। नौजवान का जीवन उन्नत हो, उज्जवल हो, ये नहीं चाहते। बहन बेटियां सुरक्षित हो, वे नहीं चाहते। किसान खुशहाल हो, वे नहीं चाहते। अगर चाहते तो उनको भी मौका मिला था, वे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में ऐसा नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, होने भी नहीं देंगे। और इसीलिए तो जनता ने भी ठाना है कि डबल इंजन की सरकार को हर हाल में रखना है और डबल इंजन की सरकार ही कार्य करेगी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में एक नई योजना लेकर के आए हैं। आप देखना कितने अच्छे परिणाम आएंगे। दुनिया के हर विकसित देश पहले इसका अनुसरण कर चुके हैं। अग्निपथ की योजना 10,00,000 नौजवानों को, 10,00,000 नौजवानों को एक साथ अगले 1.5 वर्ष के अंदर मिलिट्री में जाने का अवसर प्राप्त होगा और 4 वर्ष के बाद उनके पास ऑप्शन होगा। 25-30 नौजवान जो मिलिट्री के कार्यक्रम के साथ आगे जुड़ना चाहेंगे उन्हें वहां मौका मिलेगा। बाकी नौजवानों को सीएपीएफ में, असम राइफल में और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी और उत्तर प्रदेश की अन्य सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता दें। हमारा जब 21 से लेकर 23 साल का नौजवान होगा भाइयों बहनों, उसके पास
ट्रेनिंग होगी, एक अनुभव होगा और उसके हाथ में पूंजी होगी, एक हाथ में पूंजी भी होगी। वह चाहे तो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे राज्य सरकार की नौकरी में जा सकता है और वह चाहे तो किसी भी सेवा में उसके लिए रास्ते, ढेर सारे रास्ते खुले होंगे। ट्रेनिंग एक, लेकिन 4 साल के बाद रास्ते अनेक होंगे उसे अपने जीवन को उज्जवल में बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष इसके नाम पर भी गुमराह करने का काम कर रहा है, उनके पास कोई कार्य नहीं है, वे केवल गुमराह करने में विश्वास रखते हैं, गुमराह करके उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती, विपक्ष के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता, गरीब कल्याण कोई मायने नहीं रखता, किसानों का उन्नयन कोई मायने नहीं रखता, महिलाओं की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखता, नौजवानों का रोजगार कोई मायने नहीं रखता। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार वर्तमान में कर रही है, टैबलेट और उत्तर प्रदेश का नौजवान भी स्मार्ट बनेगा। हम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं, लगभग 17 लाख नौजवानों तक टैबलेट और स्मार्टफोन हम वितरित कर चुके हैं और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसे वैसे हम वितरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हर नौजवान के हाथ के कार्य हो, हर परिवार का एक नौजवान रोजगार के साथ जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कार्य, हम परिवार कल्याण का कार्ड तैयार कर रहे हैं, हर परिवार को एक कार्ड देंगे। अगर उस सरकार का कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं, नौकरी में नहीं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, उसको किसी न किसी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ेगी। बड़े कार्यक्रम का आगे बढ़ने का कार्यक्रम, लेकिन विपक्ष कोई अच्छा नहीं, और इसीलिए आज मैं रामपुर में आया हूं। आपको तय करना है रामपुर की चाकू को कितने हाथ में लेना है। रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। यही होता था ना, गरीबों की जमीनों पर, वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर, सिखों की जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर, यहां के गरीबों की जमीनों पर, उस रामपुर में वो जाने जा रहे थे, गरीब जाने जा रहे थे, गरीब में मुसलमान भी था, दलित भी था, पिछड़ा भी था, सिख भी था, ये सभी लोग जाने जा रहे थे।